चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट। जब आप एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हो जीरो, यू कैन सी दैट दिस इज गिविंग मी वन टू द पावर इनफाइनाइट। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट ए एंड बी का वैल्यूज क्या है। जब बोला है कि वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स शुड बी करेक्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। नमस्ते एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ अ न्यू चैप्टर दैट इज कंटिन्यूटी। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ दिस चैप्टर, बट इट्स अ वेरी प्रेटी इजी पीजी टॉपिक। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो सम सेट ऑफ कंडीशंस एंड या यू विल फॉर श्योर क्रैक दिस चैप्टर एज वेल। सो वी शुड ऑल्सो रॉक इन दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक डेफिनेशन, राइट? सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद basic definition. So what does basic definition is? If you draw a function's graph without lifting pen, then I say that the function is continuous in nature. समझ आ गया? I'll repeat again. If I draw a function's graph without lifting pen, then I say that the function is continuous in nature. Right? Let me just pen down. Let's write together. So if I draw a function's graph without lifting pen, then function is continuous in nature. It is continuous in nature. मतलब it is continuous. ठीक है, चलो सारे लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। लेट्स डू साइन एक्स एग्जाम्पल, राइट? सो लेट्स जस्ट ड्रॉ साइन एक्स। कैन यू सी दैट व्हाइल ड्रॉइंग साइन एक्स आई डिड नॉट लिफ्ट माय पेन। आप भी ट्राई करो, ट्राई करो आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यू कैन सी दैट व्हाइल ड्रॉइंग साइन एक्स ग्राफ आई डिड नॉट लिफ्ट माय पेन। इफ आई डिड नॉट लिफ्ट माय पेन देन आई सी दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ आ गया? साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इतना तक तो क्लियर है। देन व्हाट अबाउट डिसकंटिन्यूअस? बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि इफ यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ फंक्शंस ग्राफ एंड यू हैव लिफ्टेड पेन, देन आई से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट वेर यू हैव लिफ्टेड इट। क्लियर है? लेट मी रिपीट अगेन। डिसकंटिन्यूअस इज नथिंग बट जब आप फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त पेन उठाए, सो आई से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट यू हैव रिमूव्ड योर पेन। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, आपको ही समझ आ जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। Let's take tan x, draw with me so that you people will understand what I'm trying to say. This is x is equal to pi by 2, right? Okay. चलो, जब मैं tan x का graph draw कर रहा हूँ ना, you can clearly observe that I am lifting my hand at x is equal to pi by 2. Can you see that? Let me draw it again. I'm lifting my hand at x is equal to pi by 2. Then what I say is tan x is discontinuous at x is equal to pi by 2. समझ आ गया? There shouldn't be any problem, right? ठीक है, आगे बढ़े। यू पीपल कैन ट्राई दिस, वेदर इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ट्राई करो, आप ही बताओ। ये भी कर सकते हो आप यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन इटसेल्फ। यू हैव टू प्रेडिक्ट वेदर इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, राइट? ठीक है, सो लेट मी मूव ऑन। आप ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा वेदर इज इट कंटिन्यूअस और नॉट। आप ही सॉल्व करो यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। ओके, सो वी आर डन विद द बेसिक डेफिनेशन। वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स you know the mathematical definition or the master's definition, right? So likh lenge master's definition, right? So master's definition: a function f of x is said to be continuous at x equal to a if there are total three conditions. If all these three conditions are satisfied, then only I can declare that the function is continuous at x is equal to a. Okay, so shall I write the condition one? Right, so condition one, f of a should be well defined. बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया भैया what is well defined? कुछ नहीं है, well defined माने the function should be a real and a finite value. समझ आ गया? It should be a real and a finite value. यह है first condition. Second condition, limit extending to a f of x should exist. ठीक है, यहाँ तक तो clear है. Third condition क्या है? F of a का जो आंसर है ना वो लिमिट से मैच होनी चाहिए। दे बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। इफ दीज बोथ आर इक्वल एंड ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर बीइंग सैटिस्फाइड, दीज आर द थ्री कंडीशंस एंड इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन आई कैन से दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, समझ आ गया?
ऑल दीज थ्री कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, विल बी गोइंग इन दिस मैनर इट सेल्फ. विल बी फर्स्ट चेकिंग सी वन की वेदर इज एफ ऑफ ए वेल डिफाइंड और नॉट. देन विल बी चेकिंग वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. एंड देन विल बी चेकिंग वेदर बोथ ऑफ द आंसर्स आर इक्वल और नॉट. राइट, देन विल बी कंक्लूडिंग की वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट. ठीक है, स्टेप बाई स्टेप. ओके, सो हम जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच गोज लाइक दिस, दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो. सॉरी, एम आई राइट? या फॉर एक्स लेस देन जीरो, एंड इट इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ही इज आस्किंग अस टू फाइंड और चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट. इसका मतलब कंटिन्यूअस है, समझ लो. शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सी वन टी आई बोलकर. ओके, फर्स्ट व्हाट विल बी डूइंग, विल बी चेकिंग सी वन वेदर एफ ऑफ जीरो इज वेल डिफाइंड और नॉट. ठीक है, सो एफ ऑफ जीरो, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला लेंगे ना, दिख रहा है ना? जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स, राइट? सो एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा? जीरो, राइट? एफ ऑफ जीरो तो जीरो बनेगा. कैन यू टेल मी वेदर इज दिस वेल डिफाइंड और नॉट? इट इज वेल डिफाइंड, राइट? सो वी आर डन विद द फर्स्ट कंडीशन. विल मूव टू सेकेंड कंडीशन. विल चेक वेदर लिमिट x tends to 0 f of x is defined or not. Sorry, is you know well defined or not, or in other terms, does this exists or not? For its existence, we have to check its left-hand limit and as well as right-hand limit. ये तो पता ही होगा ना? आप तो पढ़े होंगे limit में. You have to check left-hand limit and as well as right-hand limit. LHL, RHL. LHL माने left-hand limit. RHL माने राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. ये आपको पता होनी चाहिए, स्टिल आई एम रिवाइजिंग. x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब इट इज वेरी क्लोज टू x, वेरी वेरी क्लोज टू x, बट इट इज लेस देन 0, राइट? सो इफ इट इज लेस देन 0, द फंक्शन इज डिफाइंड एज साइन x. कैन यू सी? फॉर x लेस देन 0, इट इज डिफाइंड एज साइन x. ठीक है, सो लेट मी गो एंड सॉल्व. लिमिट x टेंस टू 0 साइन x. अब x की जगह 0 रखो, साइन 0. अब साइन 0 क्या है? 0. गुड. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स. 0 पॉजिटिव माने इट इज वेरी क्लोज टू 0, बट इट इज ग्रेटर देन 0. अगेन, फंक्शन इज डिफाइंड एज x फॉर x ग्रेटर देन 0. यू कैन सी, राइट? ठीक है, तो या लेट्स कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. लिमिट x टेंस टू 0, सो x के जगह 0 रखो, 0 विच इज इक्वल टू 0. कैन यू सी दैट LHL इज इक्वल टू RHL एंड इट इज फाइनाइट इन नेचर, राइट? सो आई कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड इसका जो आंसर है वो 0 है. ठीक है, गुड. लेट्स गो एंड चेक C3. सो what इज द कंडीशन ऑफ C3? लेट्स गो एंड चेक. देखो ना, C3 का कंडीशन क्या है, कि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x. कैन यू सी that f of 0 का वैल्यू क्या है? 0. एंड लिमिट का वैल्यू क्या है? 0. कैन यू सी दैट दीज बोथ आर इक्वल? सो आई कैन से दैट f of 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x. यस और नो? यस और नो? देन आई कैन से दैट दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. अगेन, इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी कम विद अ कंक्लूजन That function f of x is continuous at x is equal to 0. Clear है? कोई doubt नहीं है ना? You have gone step by step. पहला C1 check किए, C2 check किए, फिर उसके बाद C3 check किए, and सारे conditions satisfy हो रहे हैं. Then we concluded कि yes, this is continuous at x is equal to 0. Next question. F of x is defined cos x to the power cot square x for x not equal to 0 and for x equal to 0 e की power minus 1/2. He's asking us to find or check whether f of x is continuous at x is equal to 0 or not. पूछ रहा है हमको. हम क्या करेंगे? सॉल्व करो, आप भी सॉल्व करो. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व. सिंपल है ना? यही, पहले C1 चेक करेंगे. C1 क्या है? We'll check whether f of 0 is well defined or not. अब x is equal to 0 पे हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? फंक्शन का डेफिनेशन e to the power minus 1/2 है. So f of 0 पे क्या है? e to the power minus 1/2. Is this well defined or not? Yes, it is well defined. एक टिक तो आ गया. आगे बढ़ेंगे C2 के ऊपर. We'll be checking limit. Limit x tends to 0 f of x. अब इसमें left hand limit, right hand limit check करने का जरूरत नहीं है. There is no importance because we check left hand limit, right hand limit where the function's value is changing. But over here, it's not required because there is no change in function's value. X 0 negative में भी यही आ रहा है. Can you see that X 0 negative पे भी यही function है और X 0 positive में भी यही function है. अब मतलब function का definition change नहीं हो रहा है. So we'll be continuing with that itself. So limit X tending to 0 cos X to the power cot square X. ठीक है. जब आप X का value substitute कर रहे हो 0,
यू कैन सी दैट दिस इज गिविंग मी 1 to the power इनफाइनाइट। और ये हम ना लिमिट्स में पढ़े हैं कि लिमिट ये आपको याद है, इफ यू पीपल रिमेंबर लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू ए सम रैंडम ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है, एंड इफ दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की पावर इन्फिनिटी, तो हम क्या करते थे याद है, ये पूरा चीज को हम ऐसे लिखते थे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, याद है ना, दिस इज वॉट वी हैव लर्न इन आर लिमिट्स क्लास, राइट? आई होप यू पीपल आर नॉट कन्फ्यूज विद दिस, सो कैन वी गो अहेड एंड सॉल्व दिस इन दैट मैनर एज वेल। तो ये क्या आएगा, ई की पावर, बहुत बड़ा ई लिखा हूँ बिकॉज मेरा ई फेवरेट अल्फाबेट है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉट स्क्वायर को मैं 1 by tan square लिख रहा हूँ इधर ही, 1 by tan square x इंटू कॉस एक्स माइनस वन, अगेन बिफोर वी गो ऑन आगे हम रिवाइजिंग, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय टेन एक्स इज वन, एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इज माइनस वन बाय टू, ये दोनों याद रखो, एक्चुअली वी हैव लर्नड दिस राइट, कुछ नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कर लिया ना मल्टीप्लाई, आपको इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बेटर रहेगा, तो ये तो वन बन रहा है और ये बन रहा है माइनस वन बाय टू, हमको क्या आ रहा है फाइनली e टू द पावर माइनस वन बाय टू, ठीक है, सो इसका लिमिट का आंसर e टू द पावर माइनस वन बाय टू है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टेप दैट इज सी थ्री, विल बी मूविंग टू द थर्ड स्टेप सी थ्री। अब सी थ्री के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज सी थ्री, कि एफ ऑफ जीरो है ना वो लिमिट का आंसर दोनों सेम मैच होनी चाहिए, कैन यू सी दैट एफ ऑफ जीरो इज e टू द पावर माइनस वन बाय टू एंड लिमिट का आंसर भी e टू द पावर माइनस वन बाय टू है, सो आई कैन से दैट एफ ऑफ जीरो is equal to limit x tends to 0 f of x. So, ये condition भी satisfy हो रहा है. All three conditions are being satisfied. So, if I say that all three conditions are being satisfied, then I can conclude that your f of x is continuous at x is equal to 0. समझ आ गया? No doubts, right? ना तक तो clarity है. ठीक है, सो शैल बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट बता दो यार अभी, ओके, सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो, सिंपल है, बट फिर भी एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 1 plus mod of sin x to the power a by mod sin x, राइट, फॉर एक्स लेस देन 0, इट इज b फॉर x इक्वल टू 0, एंड इट इज e टू द पावर tan 2x by tan 3x for x greater than 0. This is the question. He said, वो already बोला है कि this is continuous at x is equal to 0. He said, he is asking us to find out a and b का values क्या है. जब बोला है कि वो continuous है at x is equal to 0, इसका मतलब all three statements should be same, should be correct. Yes or no, all three statements should be correct. Condition 1 should be correct, condition 2 should be correct and condition 3 should also be correct. ठीक है, तो let's go and first talk about first condition. First condition क्या था? कि f of 0 should be well defined, which is b. अब तो समझ लो ना, x 0 है तो function का value b है बोलकर. I'll be pacing up. Next, c2. I will be checking limit. Limit x tends to 0, f of x. इसमें आपको left hand limit check करना पड़े. राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा बिकॉज फॉर एक्स लेस देन जीरो द वैल्यू और द फंक्शंस वैल्यू इज दिस वन एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो द फंक्शंस वैल्यू इज दिस वन. सो लेट्स गो एंड नाउ चेक LHL एंड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स. अब जीरो माइनस तो लास्ट टाइम ही बता दिया कि दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो बट इट इज लेस देन जीरो. तो विल बी टेकिंग दिस थिंग, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 plus mod साइन एक्स टू द पावर ए बाई मॉड साइन एक्स. ठीक है, ओके, सो पहले विल सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे बिकॉज मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, राइट. अब बताओ, जब मैं एक्स का वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ना, मेरे को 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, गेटिंग 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म. इसका मतलब याद है, दिस इज वॉट वी हैव डन, e की पावर एंड ऑल स्टफ. सो लेट्स कीप गोइंग, लेट्स डू दैट इटसेल्फ. e की पावर लिमिट x tends to 0 a by mod sin x into 1 plus mod sin x minus 1. काटे पीटी करेंगे, कट 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 कट, तो हमको क्या आ रहा है, इसका आंसर e to the power a आ रहा है. ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है. अब हम बात करेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, RHL. ठीक है, RHL how does that goes, limit x tends to 0 positive f of x, right. अब 0 positive माने this thing, right, can you see this thing, ये वाला लेना चाहिए ना मेरे को, 0 positive माने again I'll tell कि it is very close to 0 but it is greater than 0. ठीक है, so let's go ahead and write it down, limit x tends to 0 e की पावर tan 2x by tan 3x. क्वेश्चन तो सही लिखा हो ना,
हाँ ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग 3x एंड आई एम मल्टीप्लाइंग 2x, राइट। आपको तो लिमिट में पता ही होगा, तो ये तो 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। आई एम लेफ्ट विथ दिस एक्सप्रेशन दैट ये लिमिट ना ऊपर आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये e बड़ा वाला ही, e की पार लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2x बाई 3x। सो ये काटा पीटी हो जाएगा x x का, तो ये क्या बनेगा e की पार 2/3। ये हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट है, आर एच एल। यस और नो, इतना तक तो क्लियर है, येस और नो, येस। अब बताओ हम क्या बोले थे कि ना ये दिस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब फर्स्ट वाला था वेल डिफाइंड, सेकेंड वाला था कि लिमिट शुड एक्सिस्ट। एग्जिस्ट होने का है, इसका मतलब क्या है कि एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल, तभी तो एग्जिस्ट होगा ना। तो ई की पार ए शुड बी इक्वल टू ई की पार 2/3, इसका मतलब ए शुड बी इक्वल टू 2/3। मिल गया, ए इक्वल टू 2/3, मिल गया मिल गया मिल गया, आंसर मिल गया। अब ए तो मिल गया भाई, बट वॉट अबाउट बी? आएगा जी, रुको जरा सबर करो। लेट्स गो टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था कि एफ ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू द लिमिट्स आंसर, यस और नो? ठीक है, सो एफ ऑफ 0 क्या है, बी था, एंड लिमिट का आंसर क्या है, 8^2/3। खत्म, आ गया ए का आ गया दैट इज 2/3 एंड बी का आ गया दैट इज 8^2/3। टिल हियर वी एंड अप द टॉपिक, राइट। सो या नमस्ते।